लुकेस मैं शुरू आपका स्वागत करती हूँ अखबार बानी गॉसिप में। अपने दामाद को बचाने के लिए बिग बॉस ने फिर वोटिंग लाइन ऑफ कर दी है। चलिए आप लोगों को बताते हैं ये लेटेस्ट अपडेट है। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई वोटिंग लाइन ओपन होगी, हम लोग अपने फेवरेट कंटेस्टेंट को जो है वोट करेंगे, पर आप लोगों को वोट करने की जरूरत नहीं है। आपका फेवरेट कंटेस्टेंट जो है पहले ही बच गया है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जैसे कि हमने नॉमिनेशन इस एपिसोड के आने से पहले ही बता दिया था कि चार लोग नॉमिनेटेड है, साजिद है, टीना दत्ता है, शालिन है, शिव ठाकरे हैं। अभी साजिद भी बहुत ज्यादा फेवरेट है, शिव ठाकरे भी बहुत ज्यादा फेवरेट है, टीना को तो वापस लिया ही है बिग बॉस, तो वो साफ तौर पे पता चलता है कितनी ज्यादा फेवरेट है। शालिन भी इतने ज्यादा फेवरेट हुए हुए हैं बिग बॉस के। और ये चार लोग अगर नॉमिनेशन में आ गए तो हो सकता है क्या वोटिंग लाइन ओपन हो जाए? नहीं भाई, पहले ही दिखा दिया है वोटिंग लाइन इस हफ्ते ओपन नहीं होंगी। आप लोग अपना समय व्यर्थ ना कीजिए भाई, आपको वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। वोटिंग लाइन ओपन नहीं होने वाली है क्योंकि उनका दामाद जो नॉमिनेशन में आ गया है, अभी थोड़ी ना दामाद को आखिरकार वो बाहर निकालेंगे या अपने दूसरे कंटेस्टेंट को बाहर निकालेंगे। पर यार मुझे बहुत बोर होने लग गया है। अब ये गेम का मजा तभी है जब हर हफ्ते कोई ना कोई बाहर निकले। चलो बीच में एक हफ्ता एलिमिनेशन ना हो तो खुशी सी होती है कि हाँ किसी का बर्थडे आ गया है, पर ये हमेशा ही कोई ना कोई पैदा हुए जा रहा है और कोई इस घर से निकल ही नहीं रहा, तो काफी सा बोरिंग सा मुझे लग रहा है। मुझे लग रहा है बिग बॉस को ये सब चीजें बंद करनी चाहिए। हालांकि अभी आपके क्या विचार है बताइए जरूर। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, नमस्कार।